आदाब, मैं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं हम भारत। इस वक्त हम शहर मालेगांव की कॉरपोरेशन पर मौजूद है, जहां पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बजट से मालेगांव कॉरपोरेशन के थ्रू 10 जो है ट्रैक्टर का यहां पर उद्घाटन किया गया, ओपनिंग की गई। इन ट्रैक्टर्स के ज़रिए शहर मालेगांव में फुहारनी की जाएगी। जैसा कि शहर में जो है काफ़ी तादाद में कोरोना के पेशेंट्स सामने आए थे, लेकिन इन दिनों काफ़ी तादाद में कम भी हो गए, कहना ये चाहिए, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त मालेगांव अपनी नॉर्मल कंडीशन पर आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि शहर में फुहारनी के लिए 10 ट्रैक्टर का यहाँ पर उद्घाटन हुआ, ओपनिंग हुई, लेकिन हमें देखना यह है कि अमली तौर पर इस पर अमल कब होगा, यानी कि किस दिन से इन ट्रैक्टर्स के ज़रिए शहर में फुहारनी की जाएगी। और आप इंतज़ार कीजिए कि ये जो उद्घाटन हुई, जो ओपनिंग हुई, जो ट्रैक्टर्स कॉरपोरेशन के थ्रू मालेगांव को दिए गए, इस पर किन किन सियासी लीडरान की क्या क्या टिप्पणियाँ आती है। गांव के अंदर कंटिन्यू ये पूरे शहर में इसका छिड़काव होना चाहिए, ये पत्रकारों के सामने बोल रहा हूँ। अगर ये नहीं घुमा तो उसके जवाबदार अधिकारी रहेंगे। पीछे बताया गया था कि जैन समाज ने जो भी दिया मदद करी, उस पर ड्राइवर और डॉक्टर का प्रॉब्लम था, तो कॉर्पोरेशन में उसका सॉल्व कर रही हो रहा है। उसमें डॉक्टर्स का और ड्राइवर का प्रॉब्लम था जी, कोई भी डॉक्टर आगे आके मदद करने के लिए तैयार नहीं था। फिर महापौर साहब और फिर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और माजी आमदार उप महापौर साहब, उनके भी सबकी मदद से और मंत्री महोदय भी थे, तो हमने 30,000 रुपये देने का ऐलान किया। फिर भर्ती करके हमने डॉक्टर उपलब्ध कर दिए है और ड्राइवर भी उसी तरह से हमने उपलब्ध कर दिए। थोड़ा सा उसमें टाइम लगा लेकिन अभी वो सभी शुरू हो गया। सर, ये आपकी गाड़ी है, इसका ड्राइवर अवेलेबल है? इसके ड्राइवर हमने अवेलेबल करके रखे हैं जी। इसके लिए हमने पहले ही क्या टारगेट है, कौन सा लक्ष्य लिए, कौन सा वार्ड लक्ष्य, मतलब टारगेट क्या है, कौन तवाज लिए, कोरोना को लिए, नियोजन क्या है? ये जो ट्रैक्टर है कब से स्टार्ट होंगे और किन किन मोहल्लों में इसके जरिए लाभ होगा? अभी अपने पास 20 ट्रैक्टर है जी, और 10 आए सब बोलो, अपने पास 21 वार्ड है, तो पहले अपने 3-4 ट्रैक्टर है, 20 ट्रैक्टर है, तो इस सभी ट्रैक्टर का 21 वार्ड का अपना नियोजन है, सभी वार्ड में ले एक एक ट्रैक्टर मुआयजा किया जाए। तो सर, ये सिर्फ कोरोना है तब तक रहेगा कि उसके बाद भी इसका जो है? ये टोटली कॉर्पोरेशन के ट्रैक्टर है और ये पूरी तरह से हमेशा के लिए कॉर्पोरेशन के लिए रहेंगे। सर, आवाम में चर्चा है कि बीमारी चल रही है, महामारी है, आपातकाल, ऐसे में दवाओं का छिड़काव वगैरह वगैरह नहीं हो रहा है, तो कॉर्पोरेशन कहीं इसमें थोड़ा सा सुस्ती तो नहीं करी? नहीं, हमने 10,000 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड लिया था, उसमें से अभी तक 7,000 लीटर ख़त्म हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ कि पूरी कॉरपोरेशन के पूरे साल के लिए 2,000 लीटर हाइपोक्लोराइड है, सफिशेंट है, लेकिन अभी तक हमने 7,000 लीटर का फवारनी कर दिया है, मतलब जो हमेशा का जो परसेंटेज है उससे 3 गुना ज़्यादा हमने फवारनी कर दी है। इसका मतलब कॉरपोरेशन ने फवारनी की नहीं है, ऐसा नहीं है। तो सर, जब इतनी ज़्यादा फवारनी की है तो नज़र क्यों नहीं आई? नज़र तो आनी चाहिए, क्योंकि हर जगह पे की जैसे ही कंटेनमेंट जोन जाहिर होता है वहाँ पे अपने ट्रैक्टर जाके फवारनी करते। ये इसलिए आपको नज़र नहीं आया होगा कि हमारे पास ट्रैक्टर कम थे, हमने छोटी छोटी गाड़ियाँ ली हुई थी और कंटेनमेंट जोन का जो एरिया था जहाँ से पेरीमीटर कंट्रोल करते वहाँ पे हमने ये मशीन वहाँ पे रखवाए थे। और जो शुरू में हमें जो ट्रैक्टर मिले बाहर के गाँव, 20 ट्रैक्टर हमारे कम हो गए, वहाँ से वो ट्रैक्टर देना बंद हो गया, तो ये थोड़ी सी व्यथा थी। पुलिस ने बैरिकेड कर दी है, इसलिए हमारी व्हीकल्स नहीं जा पाती, तो ये दिक्कत हमें है। हालांकि हम उस पर विचार करें, लेकिन पुलिस का भी उसमें क्या होता है कि उनकी लिमिटेशन है, वो बैरिकेड निकाल नहीं सकती है ना, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम थोड़ा रहेगा।
इसके लिए हम थोड़ा क्षमा सफाई के नियोजन में पुलिस आपको बोलना है कि पुलिस ने बैरिकेड लगाई तो क्या आला वरिष्ठ अधिकारी से आप चर्चा नहीं कर सकते? हमने चर्चा की है जी, लेकिन क्या है कि कंटेनमेंट जोन के कुछ निकष होते हैं, उसमें उनको रास्ते और जो एरिया है वो सील बंद करना पड़ता है। तो वो सील बंद करने के बाद हर अपनी व्हीकल हमेशा सुबह जाती है, तो हर रोज सुबह आके वो अपने लिए खोलेंगे नहीं, ये प्रैक्टिकली बहुत इम्पॉसिबल है। तो सर फिर जो इसकी वजह से जो मोहल्ले में बीमारी फैल रही है, मोहल्ले वाले परेशान हो रहे हैं, तो उसका क्या? उनके लिए नहीं, ब्रैकेट इम्पोर्टेंट है कि लोगों की ज़िंदगी बचाना इम्पोर्टेंट है? नहीं, इसका मतलब हमने कचरा उठाया ही नहीं, ऐसा नहीं है। हम कचरा रेगुलरली उठा रहे हैं और उसकी व्यवस्था हमने की है, लेकिन हमें दिक्कत बढ़ रही है ना। बीच में अपने जो स्वच्छता कर्मचारी है उनको भी मारा गया, तो उनका मॉरल डाउन हो गया, उन्होंने थोड़ा काम बंद कर दिया था, फिर हमने मॉरल बढ़ाया। तो कॉरपोरेशन की दिक्कतें बहुत है, सब जगह से है, और कॉरपोरेशन की जो सेवा है ना वो अति अत्यावश्यक है। मतलब एक दिन भी वो पानी बंद नहीं कर सकते, एक दिन भी लाइट बंद नहीं कर सकते, एक दिन भी स्वच्छता की गाड़ी बंद नहीं कर सकते, एक दिन भी फवारनी बंद नहीं कर सकते। आपने बोला कि सफाई कामगार को मारा, किसने मारा सर? सफाई कामगार को पुलिस ने मारा था एक जगह पे, ऐसे चार पांच जगह हमने पत्र भी दिए हैं पुलिस को, और उन्होंने रियायत बरतने के लिए भी बोला है अपने नीचे वाले पुलिस को। एसपी मैडम भी बोली थी कि मैंने रिस्ट्रेन करो अपने फोर्स को, ऐसा बोला हुआ है, और उन्होंने वैसा ऑफिशियली भी कम्युनिकेट किया है। लेकिन फिर भी ऐसा कभी हो जाता है कि कभी आई कार्ड ना रहे, लेकिन आई कार्ड भी हो तो वो दिखाने में देरी हो जाए, उसमें मारा जाता है। चलो ओके सर। सर अभी एक्टिव पेशेंट सेंट्रल में कितने और आउटर में कितने? अभी आउट 64 पेशेंट फिलहाल अपने पास है अभी एक्टिव पेशेंट, है ना। और हर जगह पे, मतलब MHG कॉलेज में है, मंसूरा कॉलेज में है, और अपना क्वारंटाइन सेंट्रल आउटर दोनों कम्बाइंड, सारा और फरद सभी जगह पे थोड़े थोड़े।